देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की गलत फहमी पैदा हो रही है। अफवाह के चलते लोग वैक्सीन लगाने से भी डर रहे हैं और इन अफवाहों को अब फ्रांस के नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक ने भी हवा दे दी है। क्या देखिए, करीब एक साल से पूरी दुनिया कोरोना महामारी के खौफ के साए में जी रही है। इससे पहले कि दुनिया कोरोना के हमले को समझती, इस वायरस ने अपना रूप बदलना भी शुरू कर दिया। कई देशों में कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट सामने आए और इन्होंने कोरोना की दूसरी लहर की शक्ल में कहर बरपा दिया है। इसी दौरान कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का काम भी पूरी दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन जब वैक्सीन हाथ में आई तो इसको लेकर अब डर का माहौल भी बनने लगा है। सुई आपके सुरक्षा को लेकर लगवाई जा रही है। वैक्सीन को लेकर अफवाहों और खौफ की ऐसी कहानी देश के एक गांव या शहर की नहीं है, लेकिन वैक्सीन को लेकर ज्यादा खौफ ग्रामीण इलाकों में है, जहां कोरोना वैक्सीन के बारे में सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच सकी है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से महज 30 किलोमीटर दूर बहरी गांव में भी इसलिए लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया क्योंकि इलाके में ये अफवाह फैल गई है कि वैक्सीन लगने के बाद मौत हो जाएगी। नए लोग तो जो 18 प्लस वाले हैं उनमें उत्साह है, बहुत जगह ऑनलाइन करा भी रहे हैं। 45 से ज्यादा वालों में एक दो इस तरह की डेथ हुए हैं जो आसपास, उसको टीका से जोड़ करके और कई लोगों ने प्रचार फैलाई और दुष्प्रचार किया, इसको लेकर के गांव वालों को डर है थोड़ा। इस चीज़ को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ जाए, स्थानीय जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तबका है, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सबसे कारगर हथियार है, लेकिन इसका खौफ भी कोरोना के खौफ के साथ चल रहा है। इस बीच फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लूच मॉन्टेनियर के दावे ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोबेल पुरस्कार विजेता लूच का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोग अगले 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। लूच ने इसके लिए वैक्सीन की वजह से कोरोना वायरस में हो रहे म्यूटेशन को जिम्मेदार ठहराया है। यही वजह है कि लूच के इस दावे पर अब पूरी दुनिया में मंथन चल रहा है। ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हैं, बहुत ही बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं। इनको जो है HIV में का वायरस इन्होंने डिस्कवर किया था, उसके कारण से इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये कम्प्लीटली जो है शरारती तत्वों द्वारा क्रिएट किया गया एक व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि क्यों क्रिएट किया गया होगा, क्योंकि मॉन्टेजियन ने ये जरूर कहा था ल्यूक ने कि वैक्सीनेशन को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, यह जो है म्यूटेंट वेराइटी को जो है और जनरेट करेगा, उसका जो है जुडिशियल यूज होना चाहिए। और वह जो है जो डेथ हो रही है, उन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री को देख लो तो डेथ जो है उसके बाद से हो रही है, चाहे UK हो, इसराइल हो, सडन डेथ इंक्रीज होगी, इंडिया हो, उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने कहा कि हम इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कुछ दिन में। दुनिया में जिस कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है, ये वो वाला कोरोना वायरस नहीं है जो पहली बार चीन से निकला था। SARS-CoV-2 के नाम से पहचाने जाने वाले जिस वायरस से इन दिनों लोग संक्रमित हो रहे हैं, वो लगातार म्यूटेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल में बदलाव कर रहा है। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस में भी सैकड़ों म्यूटेशन देखे हैं। ऐसे में फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट लूच के दावे के बाद सवाल यही है कि क्या म्यूटेशन की वजह से कोरोना वायरस खुद को बदलकर और ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बन रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि वायरस लगातार खुद को बदलते रहते हैं, कुछ बदलाव वायरस को फैलने में मदद करते हैं तो कुछ उन्हें फैलने से रोकते हैं और बाकी बदलावों का कोई असर नहीं होता है। म्यूटेशंस हैं, वह जब भी वायरस रिप्लिकेट करता है, ये वायरस आप जब शरीर के अंदर आता है तो तेजी से जो है रिप्लिकेट करता है, मतलब संख्या बढ़ाता है। चूंकि सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है तो उसमें कुछ एरर हो जाते हैं, इतनी तेजी से बढ़ते हैं, 1 से 2, 2 से 4 और लाखों और करोड़ों की संख्या में, कि उनमें कुछ एरर हो जाता है,
उसी एरर को जो है कि मतलब जो दूसरा वायरस बनता है बिल्कुल वैसा नहीं होता, इसी को म्यूटेशन कहा जाता है। इस टाइप के म्यूटेशन जब होते हैं तो कुछ वायरस के लिए ही हानिकारक हो जाते हैं, कभी कभी म्यूटेशन होकर जो है वायरस को और मजबूत बना देते हैं, या तो वायरस बहुत ही इन्फेक्शियस हो जाता है, या वायरस जो है बहुत ज़्यादा लोगों को मारने लगता है, मतलब सीवियरिटी बढ़ जाती है। सवाल यह है कि आखिर वायरस म्यूटेंट क्यों होता है? दरअसल संक्रमण के बाद वायरस शरीर में अपने खिलाफ पैदा हो रही इम्यूनिटी से बचने की कोशिश करता है, और वो ये कोशिश उन लोगों में करता है जिनमें कुदरती तौर पर या वैक्सीन के जरिए वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता आ चुकी है। ऐसे में ये बात साफ है कि जितने कम लोगों को कोरोना का संक्रमण होगा, वायरस को म्यूटेशन के जरिए खुद को बदलने का मौका भी उतना ही कम मिलेगा। ये भी देखा गया है कि वैक्सीन न लगने या कम वैक्सीनेशन से कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके म्यूटेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। सबसे खास बात यह है कि ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत समेत कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट व्यापक वैक्सीनेशन के पहले ही सामने आए हैं। वैक्सीनेशन के बाद कोरोना वेरिएंट नहीं बन रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कि फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लूच के इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नजर नहीं आता कि कोरोना वैक्सीन लगाने वाले लोग 2 साल में मर जाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।